बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू जॉब्स एमसीक्यूज पेज एंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पेपर हमने शुरू किया था असिस्टेंट का, और ये 8/5/2018 को हुआ था, और ये इसका इंग्लिश पोर्शन है, और इंग्लिश पोर्शन में 40 एमसीक्यूज हैं इसके, यानी 40% इंग्लिश इसका सिलेबस में होता है। तो 20 तक हमने सुबह पहली वीडियो में उसके शेयर आपके साथ मैंने सॉल्व किए थे, आज 21-40 हम सॉल्व करेंगे। सही है फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल वाली आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, appropriate answer that is similar in meaning to the items। ये इसके साथ यानी ये मुहावरे हैं, इसके साथ सेम मीनिंग आपने ऐड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, हैंड इन हैंड यानी हाथों में हाथ। सो इसका राइट आंसर है अकरिंग टुगेदर यानी एक दूसरे के साथ। सही है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है, टू बाइट द डस्ट। तो टू बाइट द डस्ट यानी किसी भी चीज़ में शिकस्त खाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू बी डिफीटेड इन बैटल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, बॉइल्ड कॉस्टल इन द एयर यानी अपनी ख्वाबों में रहना, दिन के वक्त अपनी ख्वाबों में रहना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू ड्रे ड्रीम्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, नल एंड वाइट। फ्रेंड, ये कंप्यूटर में यूज होता है नल एंड वाइट। तो नल यानी एक होता है नील, नल, ये सबका एक ही मकसद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कैंसल्ड और वर्थ्स। फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, इन ब्लैक एंड वाइट काले और सफ़ेद में। सो इसका राइट आंसर है इसमें मेरे ख्याल से क्वेश्चन ऑप्शन सी को देखिए, इन राइटिंग और इन प्रिंटिंग यानी राइटिंग में और वाइट मतलब प्रिंटिंग में। सही है फ्रेंड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस विद वन वर्ड, ये एक वर्ड के साथ इसका तस्करा करना है यानी तशरीह करनी है। अ पोजीशन फॉर विच नो सैलरी इज पेड, एक ऐसा पोजीशन जिसमें कोई सैलरी नहीं देते उनको हॉनररी कहते हैं। सही है फ्रेंड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, दैट कैन नॉट बी कम्प्रीहेंडेड टू आल। तो ये कम्प्रीहेंड। सो इसमें जो है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए आता है अनडिसिफरेबल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच इन्फोर्सेस लॉस, गवर्नमेंट का वो हिस्सा जो लॉस को बनाता है। अब तो इसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इसके बाद इधर से आप देख ले फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 28 है, द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच इन्फोर्स लॉ, जो लॉस को इन्फोर्स करते हैं ये एग्जीक्यूटिव होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, दैट इज नॉट सिक्योर, ये सिक्योर नहीं है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी आता है वल्नरेबल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, टू डिवाइड फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट यानी अपने मेन। तो फ्रेंड्स टू डिवाइड फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट यानी ऑन द ना, तो इसका राइट आंसर डिग्रीज आता है। इसके बाद चूज द सिनोनिम, सिनोनिम आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रिनाउंस, रिनाउंस का इधर मतलब है कंडीमेंट। तो इसका राइट आंसर है कंडीमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, सेकुलर, सेकुलर का मतलब है गैर मुस्लिम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नॉन मुस्लिम।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, एडॉप्ट एडेप्ट तो एडेप्ट का उधर देखते हैं, एडेप्ट एडेप्ट में एक्सपर्ट आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, एनिमिनेट इनानिमेट इनानिमेट का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, इमिनेट इमिनेट सो इसमें फ्रेंड मेरे ख्याल से ये ओरिजिनेट आता है, आप भी इसको कंफर्म कीजिएगा, ये जो है मैं इस पर थोड़ा सा शकी हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, ये इसका एंटोनिम लिखना है, क्वेश्चन नंबर 36 है हैबिचुअल, तो हैबिचुअल का मतलब है इसका रेगुलर बंदा होता है इसका, तो ये अनयूजुअल इसका मतलब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, पेरिनाइल, सो पेरिनाइल का मतलब है ले लेटेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है फ्लुएंट, सो फ्लुएंट का एंटोनिम जो है हेल्टिंग है। इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे जाते हैं, इम्परमीएबल, सो इम्परमीएबल इम्परमीएबल के एंटोनिम जो है वो पोरस है, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आज के पार्ट का, रिफ्लेक्ट, एक होता है रिफ्लेक्ट एक होता है ऑब्जर्व, तो इसका राइट आंसर है ऑब्जर्व। फ्रेंड्स उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाली आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिले। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा एडमिन आरिफ किंग के साथ, अल्लाह हाफिज़।